करंट नहीं मिल रहा है, स्पार्क प्लग में दिक्कत आ गई। चलो राइडर्स, रॉयल एनफील्ड भी ऑफ रोड करेगी आज, इस कवर में ही दिक्कत आ रही है। क्या दिन आ गए गाइस, क्या दिक्कत है यार, इधर आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है। वो तो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू YT व्लॉग्स। तो कैसे हो सारे, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो अभी आप देख रहे हो मेरी एक्सपल्स को, कल दिन भर बारिश थी इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाए। तो आज है संडे, संडे को हम राइड करने जा रहे हैं और देखिए कीचड़ देख सकते हो आप, पूरी बाइक पीछे से पूरी गंदी हो रखी है। पहले जाएंगे हम गोपेश्वर घूमेंगे क्योंकि रोड भी काफी खराब है, फिर घर आते समय इसको वॉश भी करवा देंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त सनातन के घर और वहां से आज एक्सप्लोर करेंगे, ड्रोन शॉट लेंगे और तगड़ी तगड़ी लोकेशन से के जाएंगे। तो चलो लेट्स गो गाइस। तो आ गया अपना छोटा भाई अभिषेक, चले ब्रदर। तो आज संडे राइड में मेरे साथ है अभिषेक और आगे से मिलेगा सनातन, तो संडे राइड में काफी मजा आने वाला है। लेट्स मूव, आज काफी एंजॉय करेंगे संडे राइड को। पहाड़ी रास्तों में काफी डर भी लगता है बाइक चलाने में और मजा भी काफी ज्यादा आता है। तो ये मेरा भाई चले गया आगे, फुल लीन करते हुए जा रहा है। जो तो पहुंच चुके हैं हम सेंटा ब्रो के घर के पास। तो आज हम तीन लोग जा रहे हैं, बुलेट, R15 और अपनी एक्सपल्स। चलो राइडर्स, तो चलो चले। तो राइडिंग जैकेट पहनने के बाद ऑफ रोडिंग करने में अलग ही फील आता है, अलग ही मजा आता है। तो यहाँ से ऊपर ये देखिए, यहीं से ऑफ रोडिंग रास्ता स्टार्ट हो चुका है। रॉयल एनफील्ड भी ऑफ रोड करेगी आज। ये देखिए झरना, पहाड़ों में तो कहीं भी निकल जाओ रास्ते सारे खराब ही होते हैं। पत्थर लग गया। तो यहाँ पे देखिए खुरापाती लौंडो की खुरापात, देखिए शराब पी के गाड़ी ना चलाए होना चाहिए था और यहाँ पे लिखा हुआ है शराब पीकर गाड़ी चलाए। इट्स अ वेरी डेंजरस रोड ऑफ रोडिंग। एक्सप्रेस तो कहीं भी इजीली चले जाती है और भाई को भिगाना चाह रहा था मैं। अचानक से संडे राइड से हम आ चुके हैं ऑफ रोडिंग पे, तो हमारी रॉयल एनफील्ड भी किसी से कम नहीं। पहाड़ों को देखिए आप और ऑफ रोडिंग देखिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रॉयल एनफील्ड के लिए दिक्कत है बट एक्सपल्स तो कहीं भी चले जाएगी। वो ये देखिए गाइस, सच अ डेंजरस और रिस्की रोड, और शायद यहाँ तक ही ये रास्ता है। रास्ता बंद फिर सही है, तगड़ी तगड़ी भाई, अभी इतना भी मिल गया ऑफ रोडिंग करने के लिए काफी सही है। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। रेस हो जाए। बस इतना ही दम था, इतना ही दम था। क्या हो गया? तो देखिए गाइस व्हाट अ व्यू, इस व्यू के लिए काफी लोग बाहर से आते हैं और नीचे देखिए खाई काफी डर भी लग रही है, पर ये लोकेशन देख के तो अल्टीमेट मजा आ रहा है। We'll be right back.
तो अभी आपने इस लोकेशन के देखे ड्रोन शॉट, कितनी प्यारी लोकेशन है। और देखिए भाई ने जो हेलमेट पहना हुआ है, ये हम देहरादून से किस तरीके से लेकर आए ये हम ही जानते हैं। भाई तो मजे से पहन रहा है। थैंक यू सो मच। आपके लिए जान हाजिर है ब्रो। आज छोटी मोटी ऑफरोडिंग की, भाई को भी थोड़ा काम था वरना और अच्छी लोकेशन पे जाते, बट अभी मुझे बाइक वॉश करानी है क्योंकि कम ऑन। इन लोगों को ऑफ रोडिंग की आदत नहीं है, हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था ऑफ रोडिंग करने का, क्योंकि देखिए आप ये स्लीपर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट डे भाई लोग भी पूरे गियर्स पहन के आएंगे। ये तो अपनी रोड है, इसलिए क्या हेल्प वो पहनना, बट सेफ्टी फर्स्ट। तभी तो पहना भी हेलमेट है, वरना भाई कभी हेलमेट नहीं पहनता है। चच्चा विधायक है। सोचा नहीं था मैं बुलेट लाऊंगा इसके ऑफ रोड में। ये रही एक प्यारी सी लोकेशन। क्या करें, हम निकले फिर? सॉरी यार, कम टाइम दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फिर नेक्स्ट डे। चले, सी यू सून। एक दिक्कत आ रही है एक्सपल्स में, मैं बुलेट बना दूं ऑफ रोडिंग। हाँ गाइस, किसका स्पार्क प्लग में फिर से दिक्कत आने लगी है। देखिए गाइस, स्पार्क प्लग में दिक्कत है यार। ये मिल जाएगा क्या गोपेश्वर में? हीरो का शोरूम है तो सही है, मिल जाएगा। कितने मिलता है? कितने मिलता? करंट नहीं मिल रहा है, स्पार्क प्लग में दिक्कत आ गई। बुलेट ले जा रहा है? नहीं, इसे भी तो ठीक कराना ही है। नहीं नहीं, बुलेट नहीं चाहिए। ये देखिए, इस चीज के कारण ये गाड़ी मिसिंग मार रही है। ये कपलर काफी बेकार दे रखे हैं। करंट प्रॉपरली जब पास नहीं होता है तब ये ज्यादा दिक्कत आती है। करंट नहीं जा रहा है प्रॉपर, क्या पता गैस ना बन गई हो। क्या दिक्कत है यार, इस कवर में ही दिक्कत आ रही है। इधर आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है, कपलर शॉर्ट ना हो गया हो इसका। टो करनी पड़ेगी, टो करते हैं। पैर से टो कर देगा तू? किक में स्टार्ट करके देखते हैं। नहीं होगी तो अभी चेक करेगा टो। तो गाइस मैं अभी शोरूम में कॉल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बताते हैं शोरूम वाले। पारस भाई क्या हाल है? ये मैं पहाड़ों में आया था और गाड़ी बंद हो गई है। बंद हो गई है? स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं, इसकी ना टैंक में आवाज आती है, वो नहीं आ रही है। फ्यूल पर हाँ, छाँव में खड़ी करके हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, मैं वही करता हूँ। तो गाइस शोरूम वालों ने कहा है आप इसे 10-15 मिनट या तो धूप पे खड़ी करो और या तो ठंडे में खड़ी करो। मैं धक्का मारता हूँ, तू चला इसे। तो अभिषेक को दे दिया मैंने एक्सपल्स, अब मैं इसे टो करता हूँ आज। चलो, क्या दिन आ गए गाइस, गियर में करना स्टार्ट। चलते रहे, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा चढ़ाई है, चल। तो अभी R15 में ऐसे मैं इसे पुश कर रहा था, बट मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है R15 में। तो अब यहाँ से पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ से इसे न्यूट्रल ले जाते हैं और गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या पता हो जाए। मुझे लग रहा है ओवर हीटिंग की वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर्विस भी अभी कुछ ही टाइम पहले हुई है, कोई दिक्कत तो थी नहीं, अचानक से पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। तो अभी स्पीड पकड़ ली है गाड़ी ने और इसको गियर में करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट। थर्ड गियर डाल दिया है मैंने, नहीं हुई अभी, नहीं हुई फर्स्ट टाइम में, नहीं हुई। ओ गाइस ये तो हो गई स्टार्ट, अभी तो प्रॉपर स्टार्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसको पहले वॉशिंग करवाते हैं यहाँ पे, अभी स्टार्ट करके देखता हूँ। दिक्कत तो है गाइस इसमें, तो अभी पहले बाइक वॉश करवाते हैं।
तो गाड़ी मैंने धुलवा दी है, थैंक यू सो मच भाई। तो देखिए हमारी गाड़ी बिल्कुल चमक रही है, धुलने के बाद देखिए क्या शाइनिंग मार रही है। और अब हम चलते हैं, अभी तो ये स्टार्ट हो चुकी है, मैं आगे जाके किसी वर्कशॉप में इसे चेक करवाऊंगा क्या दिक्कत आ रही है। थ्रॉटल ज्यादा देने के कारण थोड़ा गाड़ी ओवर हीट हो गई थी और उस वजह से इस बाइक में दिक्कत आई, अभी आगे चेक करवाते हैं। यहाँ पे आप हो गया, तो अब तो ये स्टार्ट हो रही है, अभी थोड़ी दिक्कत कर रही थी भाई। हाँ, फ्यूल इंजेक्टर की आवाज नहीं आ रही थी, देखते हैं। तो अभी तो बाइक प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आएगी फिर हम चेक करवाएंगे। तो आज काफी दिक्कत दी बाइक ने और नेक्स्ट डे मैं शोरूम, जब मैं देहरादून जाऊंगा शोरूम में चेक करवा दूंगा। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।